बरेली जनपद पहुंची साधी प्राची एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गई हैं। साधी प्राची के मुताबिक जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं या धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि जिहादी हैं। साध्वी के मुताबिक मोदी देश हित में जो भी काम करते हैं उनका विरोध दर्ज करने वालों का एक गैंग चल रहा है। यह गैंग हिंदुस्तान नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। आइए सुनाते हैं साधी प्राची के बोल। ये जो धरने पर बैठे हैं ना कुछ लोग, उनसे कहना चाहूंगी कि मोदी के विरोध में केवल ये पैसा बर्बाद ना करे धरने पर बैठने के लिए। बहुत सारे बिल अभी राष्ट्र हित में आने वाले हैं, उनके लिए भी पैसा बचा करके रखो काजू बादाम खाने वालों। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2022 के चुनाव में जो किसान मुद्दा आ रहा है बड़ा असर डालेगा, ये क्या कहेंगे इस पे? आइडिया रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी। देखिए, ये जो बिल है किसानों के हित में बिल है, ये कोई गलत बिल नहीं है। मैंने बताया एक गैंग है हिंदुस्तान के अंदर, वो सक्रिय रहता है, वो चाइना के रिमोट से गैंग चलता है, वो पाकिस्तान के रिमोट से गैंग चलता है। वो राष्ट्र हित में कोई भी मुद्दा अगर मोदी जी योगी जी लेकर के आते हैं तो उसका विरोध करना उस गैंग का कार्य है। क्या क्या मानते हैं कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं भाई, कौन हो सकते हैं वो? मोदी जी योगी जी को मारने की बात कर रहे, वो किसान नहीं है, वो तो जिहादी है। क्या एक तरफ से एक आरोप आ रहा है कि जो किसानों की तरफ से कि सोशल मीडिया पे जानबूझ के खालिस्तानी एक देश विरोधी हवा खुद बीजेपी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के चलते दे रही है, एक देश के मतलब देश जो मुद्दा खत्म हो चुका है खालिस्तान का, उसको जानबूझ के अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको हवा दे रही है। ये खालिस्तान के जो नारे खुले आम लग रहे हैं किसानों के धरना आम नाम लेकर के, किसानों का नाम लेकर के किसानों की आड़ में ये गैंग सक्रिय हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं ये किसान नहीं है, ये तो खाली सुर्खियों में छाने के लिए। खालिस्तान की मांग करने का क्या मतलब है किसानों के आंदोलन में? एक व्यक्ति ने की, हाँ, जिस व्यक्ति ने भी, एक व्यक्ति ने की है, क्यों की, क्यों उसको आंदोलन में बुलाया गया, क्यों आंदोलन में बिठाया गया उसको धरने पर, ये भी तो बात है ना। आपने देखा कि किसान बिल पर साध्वी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि किसान बिल का विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि जिहादी हैं, जो काजू बादाम खाकर देश विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने किसान बिल का समर्थन करते हुए मोदी जी की सराहना की और उन्होंने कहा कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना पैसा बचा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में कई और बिल देश हित में आने वाले हैं।